हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पिकाजी इंग्लिश वोकैबुलरी क्लासेस में। हाँ, मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ इंग्लिश वोकैबुलरी क्लासेस में। मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ और आप मेरे साथ रोज पढ़ते हो, तो मेरे साथ पढ़ते रहिए और हम सीखते हैं अब 10 वोकैब्स। तो पहली 10 वोकैब्स है हमारी बहुत ही अच्छी, इसको देखिए ध्यान से। अप्रोच यानी होता है संपर्क किया। अप्रोच, किसी व्यक्ति से हम अप्रोच करते हैं तो उसके पास पहुँचते हैं। अप्रोच यानी पहुँचना, तो पहुँच, अप्रोच, संपर्क किया, अप्रोच सेकंड फॉर्म है ये। तो देखो, यह लड़की बात कर रही है, इसकी इमेज को देखिए आप। इसने अप्रोच किया, किसी व्यक्ति को कॉल किया और उसका काम हो गया, तो वो कितनी खुशी हो रही है। तो किसी व्यक्ति को अप्रोच किया, संपर्क किया और उसका काम हो जाए, तो अप्रोच्ड, हमारा संपर्क कितना अच्छा है। अब देख लेते हैं हम इसके सिनोनिम्स को। इसके सिनोनिम्स हैं प्रपोज, किसी व्यक्ति को प्रपोज करना, ये वर्ड तो सबको पता होगा। यानी कि प्रपोज यानी ऑफर देना, प्रस्तावक। आप पहले व्यक्ति हो जो किसी को प्रपोज कर रहे हो, प्रस्तावक हो आप। संपर्क करना, प्रपोन, ऑफर देना, टेंडर बोलते हैं, टेंडर भर दिया गया आपने, ठीक है। संपर्क किया कि नहीं किया, तो आपका काम नहीं होगा, तो टेंडर भरना पड़ता है, प्रपोज करना पड़ता है, प्रपोन करना पड़ता है, ऑफर देना पड़ता है। फ्रेंड्स, समझिए मेरे बात को, ट्रिक, प्रपोज करो या अप्रोच करो, बात एक ही है। चाहे आप प्रपोज करो चाहे अप्रोच करो, अप्रोच और प्रपोज आपको याद हो गया होगा। चाहे प्रपोज करो चाहे अप्रोच करो, बात एक ही है। संपर्क तो आपको दोनों में करना पड़ता है, चाहे आप प्रपोज करो, क्योंकि आप अगर एक कमरे में बैठकर आप प्रपोज नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा प्रपोज करने के लिए। तो प्रपोज करो या अप्रोच करो, बात एक ही है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट मीनिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप करना, संज्ञान लेना, किसी के मामले में आधी रोटी पर दाल लेना। समझ में आया, किसी के मामले में हस्तक्षेप करना, संज्ञान लेना। इसकी इमेज देख लेते हैं। ये देखो, बेचारी एक लड़की परेशान है, कुछ गलत काम हुआ है उसके साथ, कुछ परेशान है वो। तो तीन लोग आधी रोटी पर दाल ले रहे हैं। एक आया दूर से, आपने देखो, बैठा एक व्यक्ति और दो उसके माता पिता हैं। वो दूसरा व्यक्ति आके आधी रोटी पर दाल ले रहा है कि भाई क्या हो गया है, मुझे भी तो बताइए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। तो जो आधी रोटी पे दाल लेते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, संज्ञान लेते हैं, वो होता है इंटरवेंशन। इसके सिनोनिम देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं कॉग्निजेंस, इंटरफेरेंस। पुलिस जब कॉग्निजेंस लेती है उसे बोलते हैं कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस। संज्ञान जब पुलिस लेती है उसे बोलते हैं कॉग्निजेंस, ठीक है। इसकी ट्रिक देखते हैं। इन्वेंशन, इंटरवेंशन करने पर होता है इन्वेंशन। अगर आपको कोई आविष्कार करना है तो इंटरवेंशन करने पर ही होगा वो। जब तक इन्वेंशन नहीं होगा, जब इंटरवेंशन करने पर ही होता है वो, मतलब आपको हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा। इस इमेज में देखिए, अगर उस व्यक्ति को पता करना है उस लड़की के बारे में, तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। तो इन्वेंशन के लिए हमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, हमें संज्ञान लेना पड़ता है। तो आपको याद हो गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट वोकैब है हमारा सीकिंग। सीकिंग यानी होता है मांग, मांग, डिमांड, खोजना, ये होता है सीकिंग। तो अब इसकी इमेज देख लेते हैं। सीकिंग, सीक द लॉर्ड, ये लड़की भगवान को खोज रही है, भगवान किसको मिले। परंतु ऐसा कहते हैं, अगर आपकी मांग में दम है, आपकी खोजने में पावर है, तो भगवान मिलेंगे। ढूंढो तो एक बार, तो भगवान जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसकी सिनोनिम देख लेते हैं, फाइंडिंग और डिमांड। डिमांड यानी भी बिल्कुल वही मांग, और फाइंडिंग यानी कि ढूंढना, खोजना, ठीक है। फ्रेंड्स, अब इसकी ट्रिक को देख लेते हैं। इसकी ट्रिक, वीक होने पर सब सीकिंग करते हैं। वीक होने पर मतलब कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, तो फिर वो सोचते हैं, सीकिंग करते हैं, तो मांग करते हैं, यार यार मैं कमजोर हो रहा हूँ, मुझे दवाई दो, मुझे ये दो, वो दो, मुझे कुछ तो दो, मतलब तब तो मैं मजबूत होऊंगा, मुझे कुछ चाहिए। वीक होने पर, कमजोर होने पर, जब व्यक्ति कमजोर होता है तो उसको सब कुछ याद आता है, दवाइयाँ याद आती हैं उसको, भगवान याद आते हैं। तो ये लड़की कहीं ना कहीं कमजोर हुई है किसी प्रकार से, तब वो भगवान को खोजने के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, इसको इमेज को देखिए, ट्रिक को देखिए और वर्ड को देखिए, आपको याद हो चुका होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वोकैब को। नेक्स्ट वोकैब हमारा है बार्स यानी सलाखों। बार यानी फ्रेंड्स बहुत कुछ होता है, परंतु बार्स यानी सलाखों। तो ये देखिए, आपने ये सीन कभी देखा होगा, नहीं देखा तो आज देखिए। ये व्यक्ति सलाखों में बंद हैं, जो इनके मतलब ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और जो बाहर इनके खड़ा व्यक्ति है वो इंचार्ज ऑफिसर है, वो इनको देख रहा है। इसकी आप सिनोनिम देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं ब्लॉकेज, प्रिजन यानी कैदी, स्कॉच यानी भी सलाखों के अंदर रहते हैं। ब्लॉकेज, जो कारागार में रहते हैं उनसे बोलते हैं स्कॉच, ब्लॉकेज और प्रिजन, जिसके सिनोनिम्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इसकी ट्रिक देखते हैं। बार का यूज बार्स में किया जाता है, बार्स में किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, बार का यूज, बार यानी क्या होता है, बार यानी होता है लठ, लठ यानी कि डंडा। तो डंडे का यूज कहाँ किया जाता है, बार्स में, बार्स यानी सलाखों में। जो सलाखों के पीछे जाकर भी कुछ गलत करते हैं, तो फिर उनके प्यार से तो उनसे बोला नहीं जाएगा, तो फिर किसी ना किसी चीज़ का यूज करना पड़ेगा। वो चीज़ कौन सी होगी, वो होगा लठ। तो लठ का यूज करके उनको सही किया जाता है, तो बार्स में बार का यूज किया जाता है। देख लेते हैं हम नेक्स्ट वोकैब को। नेक्स्ट वोकैब हमारा कितना शानदार है, कन्वेन। कन्वेन यानी आयोजित करना, बुलाना, किसी व्यक्ति को बुलाना। तो ये काम कौन करता है, नरेंद्र मोदी जी। आजकल ये बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित कर रहे हो, आजकल ये कहाँ पहुँच चुके हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में आजकल भगवान के पास हैं।
तो भगवान ने इनको कन्वेन किया, बुलाया आयोजित करना, बड़ी बड़ी सभाओं को ये आयोजित करते हैं। आप जिस शहर में रहकर मेरी वीडियो देख रहे हैं वहां पर भी कोई ना कोई सभा नरेंद्र मोदी जी ने 100% आयोजित की होगी। तो इमेज आपको याद रहेगी और कन्वेन मीनिंग भी याद रहेगा। इसके सुरनेम देख लेते हैं, इसके सुरनेम्स हैं साइट, कॉल इन कॉल, कॉल अप, साउट, साउट यानी होता है चिल्लाना, तो एक प्रकार से बुलाना, तो बोलता है बुलाना, साइट, कॉल इन और कॉल अप। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है कन्विंस करने के लिए कन्वेंस करना पड़ता है। तो कन्विंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, कन्विन करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आपको किसी कन्विंस करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कन्विन करना पड़ेगा। मतलब एक सभा, नरेंद्र मोदी जी सबको कन्विंस करना चाहते हैं कि मेरे को वोट दो, सबसे अच्छा लीडर मैं हूँ, मैं कोई अच्छा कर रहा हूँ। तो वो हम सबको कन्विंस कब करेंगे, जब एक सभा आयोजित करेंगे, हमें बुलाएंगे, सभा आयोजित करेंगे, हम उसमें जाएंगे, तब जाके हमें वो कन्विंस कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मीनिंग याद हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका नया वोकैब्स। नया वोकैब है प्रोसेशन। प्रोसेशन यानी होता है जुलूस, बारात। जब बारात निकाली जाती है ना एक बंदे की, तो वो क्या होता है, बारात, जुलूस। इसके वोकैब देख लेते हैं, इसकी इमेज देखो, इमेज की कितनी शानदार से, इसकी इमेज में देखो आप, ये लोग हैं जो वो क्या निकाल रहे हैं, अपना एक जुलूस निकाल रहे हैं, प्रोसेशन। अब देख लेते हैं इसकी सिनोनिम, सिनोनिम से नहीं, मार्च, मार्च निकाला जाता है फौजियों के द्वारा, परेड निकाली जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि एक इशारा करके डेमोन्स्ट्रेशन करना जाता है, दिखाना, कुछ शो अप करना, उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। तो मार्च और परेड इसके सिनोनिम्स है, जुलूस और बारात। अब देख लेते हैं इसकी ट्रिक, पजेशन के बिना प्रोसेशन नहीं होता है। यानी पजेशन, आपको अगर जुलूस या बारात निकालनी है तो आपको उनसे पजेशन यानी कि अधिकार लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कलेक्टर साहब के पास। जब कलेक्टर आपको अधिकार देगा कि आप जुलूस निकाल सकते हैं, तब आप जुलूस निकाल पाएंगे। आपने वेस्ट बंगाल के अंदर देखा होगा, हर कोई व्यक्ति इलेक्शन कमीशन के पास जाता है कि मेरी रैली है, मुझको अधिकार दीजिए, मैं रैली निकाल सकूं। अगर उन्हें अधिकार नहीं मिलता है तो वो रैली नहीं निकाल पाते। तो रैली के लिए पहले अधिकार लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, पजेशन लेना पड़ता है। पजेशन के बिना प्रोसेशन मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वोकैब है प्रोपोगेट। प्रोपोगेट यानी होता है प्रचार। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी इमेज देखिए, कॉलगेट। कॉलगेट की इमेज में देखिए किस तरीके से इसका प्रचार किया जा रहा है। इसके सिनोनिम देखिए, इसके सिनोनिम है प्रोपोगेंडा, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट। प्रोपोगेंडा, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, तीनों अच्छे वर्ड हैं। प्रोपोगेंडा ज़्यादातर इलेक्शन में यूज किया, मतलब चुनाव प्रचार में लोग यूज करते हैं, पब्लिसिटी का यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक, कॉलगेट ने प्रोपोगेट किया, कॉलगेट ने प्रोपोगेट किया यानी कि कॉलगेट ने प्रचार किया। अब आजकल कॉलगेट इतना प्रचार कर रही है तभी तो इसने कॉलगेट बिच रहा है। आजकल हम सब लोग जानते हैं क्या कर रहे हो, कॉलगेट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि हम ब्रश कर रहे हैं या फिर हम ब्रश कर रहे हैं या फिर हम दंत क्रांति कर रहे हैं, एक ही चीज़ बोलेंगे, क्या कर रहे हैं, कॉलगेट कर रहे हैं। तो उसका प्रचार इतना अच्छा था, इतना पावरफुल था कि हर किसी के मुँह पर क्या है, प्रोपोगेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट वोकैब है हमारा कंसर्ट। कंसर्ट यानी होता है सहवादन, संगीत कार्यक्रम। आपने सुना होगा क्यों कंसर्ट नहीं है यहाँ पर, तो बिल्कुल सहवादन, संगीत कार्यक्रम। ये देखो, ये राजस्थान के अंदर क्या कर रहे हैं, कंसर्ट कर रहे हैं रेगिस्तान डिजार्ट में। अब देख लेते हैं इसकी हम फ्रेंड्स, इसके वो भी देख लें सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कोरस, कोरस यानी होता है दोहराना। तो सहवादन संगीत कार्यक्रम में तीन लोग बैठे हैं तो एक बोलता है फिर उसको दो लोग दोहराते हैं, कोरस करते हैं, साथ साथ बोलते हैं। गैमट, एरिना, एरिना यानी वैसे तो फूल भी होता है और रंग भी होता है, परंतु संगीत कार्यक्रम में भी रंग जमता है, तो रंग में भंग ना हो उसे बोला एरिना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसकी ट्रिक, डिजार्ट में कंसर्ट करना कठिन होता है। बिल्कुल, डिजार्ट में कंसर्ट करना, भाई पानी नहीं मिलेगा, धूप पड़ेगी, परंतु ये तीन लोग फिर भी डिजार्ट में कंसर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी असंभव नहीं है। तो डिजार्ट में कंसर्ट करना कठिन होता है, परंतु असंभव नहीं होता, सिर्फ कठिन होता है, तो लोगों ने करके दिखाया है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट बुक है। नेक्स्ट बुक है हमारा थिएट्रिकल, यानी होता है नाटकीय, मंचीय। मंचीय यानी कि जो आप थिएटर में देखते हो मूवी वगैरह, बिल्कुल उनको पहले थिएटर करना पड़ता है, तब जाके थिएट्रिकल, नाटकीय, मंचीय वो सीख पाते हैं। ये देखिए आपको, ये मंच पे कुछ लोग प्रस्तुत कर रहे हैं नाटक वगैरह, तो कहाँ से सीखा उन्होंने, पहले वो थिएटर में गए, जब जाकर उन्होंने सीखा। अब इसकी सिनोनिम देख ले, सिनोनिम्स है हिस्ट्रियोनिक और सैनिक। तो इसकी अब देख लो ट्रिक, प्रैक्टिकल के बिना थिएट्रिकल एक्टिविटी असंभव है। बिल्कुल, अगर आपको नाटक वगैरह में काम करना है तो पहले प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। अगर आपको सलमान खान बनना है तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, डांस सीखना है तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, इसमें प्रैक्टिकल ही है, इसमें कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो थ्योरेटिकल आप सीख के बोलने लगो। ये काम आपको प्रैक्टिकल करोगे जब आप नाटकीय रूप में उसको प्रस्तुत कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट मीनिंग। नेक्स्ट मीनिंग हमारा लॉस्ट, ये हमारा लास्ट मीनिंग है लॉस्ट, इसको अच्छी तरह पढ़िए। दर्ज कराई यानी कि हम क्या दर्ज कराते हैं, हम ज़्यादातर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। देखिए ये लेडीज़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, देखो उसके किसी ने बाल उखाड़ दिए हैं, उसके जो बाल उखड़ चुके हैं मतलब बेचारी परेशान है, तो वो रिपोर्ट दर्ज कराने आई है
किसके सामने? पुलिस वाले जो इंचार्ज ऑफिसर है वहां पर, तो वो रिपोर्ट दर्ज करा चुकी है फ्रेंड्स। अब इसके सिनोनिम्स को देखिए, देखो वो परेशान है, तब वो क्या रिपोर्ट दर्ज कराने, लॉज्ड कराने आई है, फाइल्ड। हम रिपोर्ट फाइल्ड कराते हैं, एंटर्ड करते हैं फ्रेंड्स। ट्रिक देखिए, लोग तोड़ने पर लॉज्ड किया, लोग यानी होता है कुंदा, कुंदा यानी ताला, ताला यानी लकड़ी का, लोग यानी लकड़ी का ताला, जो लकड़ी का ताला तोड़ने पर लॉज्ड किया। इसका मतलब क्या है, बेचारी जो लेडीज है जो रिपोर्ट दर्ज कराने आई है, उसके घर का किसी ने ताला तोड़ा है और ताला तोड़ने पर उसके बाल उखाड़े हैं, उसके साथ कुछ गलत किया है, तो बेचारी रिपोर्ट दर्ज कराने आ गई है, लॉज्ड कराने आ गई है। तो लोग तोड़ने पर लॉज्ड किया है, लोग यानी कि लोग भी समझ सकते हैं आप, लोग माने व्यक्तियों को तोड़ने पर भी लॉज्ड किया जा सकता है, तो लोग माने भी एक मीनिंग है, उसका मतलब होता है ताला, तो ताला तोड़ने पर क्या होता है, लॉज्ड दर्ज कराई जाती है क्या, रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 10 वोकैब्स याद हो गए होंगे, अब हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब 10 वोकैब्स आपको याद हो गए हैं, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वोकैब के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद दोस्तों।